तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से एक कैंटर में आग लग जाती है और उसके बाद आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी वो खड़ी है और एक गाड़ी आप देख सकते हैं सामने से आ रही है। किस तरीके से इस कैंटर में आग लग जाती है और आग लगने के बाद तुरंत पुलिस की टीमें, डायरेक्ट 112 की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच जाती हैं आग को बुझाने के लिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं अभी भी धुएं का जो गुमार है वो यहां से उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगातार बैक टू बैक यहाँ पर पहुंच रही हैं। आग पर फिलहाल काबू जरूर पा लिया गया है लेकिन फिलहाल किस तरीके से आप देख सकते हैं करनाल के मेरठ रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंटर में आग लग जाती है और आग को बुझाने के लिए आप देख सकते हैं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार प्रयास किया जा रहा है आग को काबू में करने का। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जाम लग गया है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को किसी भी सूरत में काबू करने का प्रयास यहां पर जरूर किया जा रहा है। 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी और लगातार आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर जरूर किया जा रहा है। करनाल के मेरठ रोड पर शुगर मिल के पास ये हादसा हुआ है जहाँ पर एक कैंटर में आग लग जाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच जाती हैं और आप देख सकते हैं दमकल विभाग की कई गाड़ियां पुलिस आप देख सकते हैं जो लोग हैं उन्हें साइड में करने का काम जरूर कर रही है और किस तरीके से मेरठ रोड पर मेरठ रोड की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है और आप देख सकते हैं फिलहाल अभी भी इस गाड़ी से धुआं निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। करनाल के मेरठ रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से चलती गाड़ी में आग लग जाती है और आग लगने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू करने के लिए मौके पर पहुंच जाती हैं। लगातार जो है दमकल विभाग की टीम प्रयास कर रही है आग को काबू में करने का। फिलहाल आग को काबू में जरूर कर लिया गया है। हादसा कैसे हुआ, आग कैसे लगी जानकारी नहीं मिली है लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की बौछारें यहाँ पर गाड़ी पर जरूर की जा रही हैं ताकि आग को किस तरीके से बुझाया जा सके और आग पर फिलहाल काबू जरूर पा लिया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार दमकल विभाग की गाड़ियों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के। आप देख सकते हैं ये गाड़ी दमकल विभाग की यहाँ पर मौजूद है, एक गाड़ी वो खड़ी है और एक गाड़ी दमकल विभाग की ये खड़ी है, यानी कि तीन से चार गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सके इसी तरीके से पानी की बौछारें यहां पर जरूर की जा रही हैं। करनाल के मेरठ रोड की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं चलती गाड़ी में आग लग जाती है और उसके बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग पर काबू पा लिया गया है, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। फिलहाल करनाल के मेरठ रोड पर, जी हां करनाल के मेरठ रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, आग पर काबू पा लिया गया है और किस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर करनाल के मेरठ रोड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से इस गाड़ी में आग लग जाती है और उसके बाद आप देख सकते हैं एक ये गाड़ी और एक ये गाड़ी और सामने आप देख सकते हैं ये गाड़ी, यानी कि तीन तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और लगातार इनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के। करनाल के मेरठ रोड की तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी में आग लग जाती है और उसके बाद डायरेक्ट 112 की टीम और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। लगातार इनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं आग पर काबू पाने के। फिलहाल आग को काबू में जरूर कर लिया गया है लेकिन फिलहाल आग और कहीं पर ना हो इसीलिए लगातार पानी की बुझारें जरूर की जा रही हैं।